सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। भगवान कृष्ण को जाने के बाद पांडवों का मन नहीं लगा तो अपने पौत्र को गद्दी दिया परीक्षित को और पांडव स्वर्गारोहण कर दिए। तो परीक्षित ने भी बहुत अच्छा शासन किया। राजा परीक्षित के ही राज्य में कलयुग आया। पहले तो राजा परीक्षित कलयुग को मारना चाहे लेकिन जब उनके चरणों में ही गिर गया कलयुग तो राजा परीक्षित देखो एक संत पुरुष थे। कलयुग आकर के चरणों में गिरा हुआ कहने लगा कि महाराज अब द्वापर के बाद मेरा ही तो नंबर है ना महाराज, मैं वापस कैसे जा सकता हूं, आप ही अपने राज्य में कोई स्थान मुझे बता दीजिए तो मैं ही रह लूंगा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा रहूंगा। लेकिन प्रकृति का नियम यही है कि द्वापर के बाद तो कलयुग आएगा ही। तब राजा परीक्षित ने सोचा कि भाई चलो लाख बुरा है कलयुग लेकिन एक अच्छाई भी है, ये दुनिया का नियम है मेरे भाई बहन, जिसमें पांव से लेकर शिखा तक बुराई ही बुराई भरी है, अवगुण ही अवगुण भरा है, उसमें भी कोई ना कोई एक अच्छाई जरूर होती है, और जिसमें अच्छाई ही अच्छाई है उसमें भी कोई ना कोई बुराई होती है, ये प्रकृति का नियम है। गुण दोष हर जगह रहते हैं। तो कलयुग में सब बुराई ही बुराई है लेकिन एक अच्छाई भी है, और अच्छाई यह है कि कलयुग में कोई भगवान का दर्शन करना चाहे ना तो बड़ी सरलता से केवल नाम कीर्तन से परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और परमात्मा का दर्शन हो जाता है, ये कलयुग की अच्छाई है। हरेर्नाम हरेर्नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, और कोई उपाय नहीं केवल हरि नाम। ये कलयुग है ना बहुत सस्ता हो गया है भगवान का दर्शन, इसमें भगवान ने भी कलयुग में डिस्काउंट किया है, और मुझे तो लगता है 80% डिस्काउंट कर दिया है। बड़े सस्ते हो गए प्रभु। हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं 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 कलयुग में भगवान का दर्शन इम्पॉसिबल, लेकिन नहीं उल्टा है, कलयुग में भगवान का दर्शन बहुत सरल है, केवल हरिनाम कीर्तन करो भगवान खुश हो जाते हैं। अन्य युगों में तो कितना यज्ञ करना पड़ता था, कितनी तपस्या करनी पड़ती थी, कितना वर्ष तक ध्यान करना पड़ता था, लेकिन कलयुग में कोई पाना चाहे तो केवल हरि नाम कीर्तन करे भगवान खुश हो जाते हैं। हरेर नामैव केवलम, इसलिए केवल हरि नाम का आश्रय करो, कलयुग में और कुछ करना नहीं है। और कैसे भी लो भाय कुभाय अलख अनख आलस हूं नाम जपत मंगल दिशे दस हूं, भाव से लो कुभाव से लो आलस्य में लो कैसे। कई बार जो लोगों को जम्हाई आती है ना तो एकदम बड़ा बड़ा मुंह खोलते हैं और उसमें भी राम 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 ऐसे बोलते हैं ना, वो भी फायदेमंद है। किसी को जम्हाई आए तब भी राम का नाम निकले वो भी फायदेमंद है। गरुणाम च लघु नाम च गरुणी च लघु नीचा, कैसे भी लोग किसी को गाली देते समय भी राम का नाम निकल आए ना तो भी कल्याणकारी। कई बार लोग डांटते हैं ना किसी को, चुप रहो बहुत आए राम राम करने वाले, तो ऐसे भी राम का नाम निकला है तो भी कल्याण है। कैसे भी लो हरेर नामैव केवलम। राजा परीक्षित ने बस कलयुग की इस अच्छाई को देख लिया। कई लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो अच्छाई ही देखते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं कि अच्छाई देखते ही नहीं बुराई ही देखते हैं। भाई गुलाब के पौधे में कांटे भी हैं और फूल भी हैं, अब ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम
कांटे देखते हो या फूल देखते हो? कई लोगों को गुलाब में फूल नहीं दिखाई देता, कांटे ही दिखाई, बहुत कांटे, और कई लोगों को गुलाब में फूल दिखाई देता है। ये हमारे स्वभाव का परिचय होता है। किसी किसी का स्वभाव होता है कि लोगों में अच्छाइयां देखते हैं वो, कि भाई इसके अंदर अच्छाई क्या है। और कई लोग समाज में ऐसे होते हैं वो दिन भर बुराइयां ढूंढते हैं कि बुराई क्या है इसमें, एक बुराई मिल जाए बस उसके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे मक्खी होती है ना, आप शरीर में कितना भी बढ़िया परफ्यूम लगा लो वहां नहीं बैठेगी वो, कहीं कुछ गंदगी उसको मिल जाए मक्खी वहीं चिपक जाती है जाकर। समाज में भी कई लोग ऐसे होते हैं, एक बुराई दिखाई पड़ी बस उसी के पीछे पड़ जाते हैं कि फलां तो ऐसा है, फलां तो ऐसा है। हमें मक्खी नहीं होना चाहिए भैया, अच्छाइयां देखो। संत और भगवंत का स्वभाव है बुराइयां नहीं देखते हैं, वो तुम्हारी अच्छाइयां देखते हैं कि तुम्हारे अंदर अच्छाई क्या है। एक महात्मा स्नान करके गंगा में बाहर निकल रहे थे तो एक दुष्ट आदमी ने महात्मा के ऊपर थूक दिया। महात्मा कुछ बोले नहीं, वापस गए और गंगा स्नान करके फिर से आए। बाहर खड़े थे, फिर से वो आदमी वहीं खड़ा था और उसने फिर से महात्मा के ऊपर थूक दिया। महात्मा बुरा नहीं माने, फिर से स्नान कर लाए। कई बार वो आदमी थूकता रहा और कई बार महात्मा गंगा स्नान करते रहे, कुछ बोल नहीं रहे। तो आखिर वो थूकने वाले आदमी को ही शर्म आई और उसने महात्मा को प्रणाम करके कहा कि बाबा मैं कितनी बार आपके ऊपर थूका, आप गुस्सा नहीं हुए? महात्मा ने कहा कि भाई तू मुझे प्रणाम मत कर, आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुझे प्रणाम करूं, क्योंकि मैं रोज एक बार गंगा नहाता था और चला जाता था, लेकिन आज तेरी कृपा से 108 बार गंगा स्नान किया, ये तूने कृपा की मेरे ऊपर। अब बुराइयों में भी देखो संत ने अच्छाई ढूंढ ली ना, ये प्रभु का और संत का स्वभाव है, बुराइयों में भी अच्छाइयां ढूंढ ली। कलयुग लाख बुरा है लेकिन एक अच्छाई है, हरे नाम ही केवलम। कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा। सुमिरि नर उतर पारा, सुमिरि नर उतर पारा, सुमिरि नर उतर पारा, सुमिरि नर उतर पारा।
न सकी राम गुण गाए। भगवान भी चाहें तो वह भी अपने नाम की महिमा नहीं गान कर सकते, इतनी महिमा है भगवान के नाम की। भाई जिसको और कोई पूजा पाठ नहीं आता हो, केवल नाम जपे जीवन धन्य हो सकता है। केवल हरि नाम पुकारो, हरे नामैव केवलम। बड़ी प्यारी कथा आती है कि जब भगवान राम राजा बन गए ना, तो सभी लोग भगवान के दर्शन के लिए पधारे। ऋषि पत्नियां, बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़ी बड़ी देवियां सब आई। तो कौशल्या जी सबके बीच में बैठी थी और अपने बेटे की बड़ी तारीफ कर रही थी कि देखो बहनों, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे बेटे ने कितना बड़ा काम किया। समुद्र पर पुल बनाना क्या आसान था, लेकिन मेरे बेटे ने वो किया, समुद्र के ऊपर पुल बनाया, सब आप लोगों के आशीर्वाद से। तो वहां अंजनी जी भी बैठी थी, हनुमान जी की माता जी। तो अंजनी जी ने कहा कि देखो कौशल्या बहन, बुरा मत मानना, आपके बेटे से बड़ा काम मेरे बेटे ने किया। कैसे? बोले आपके बेटे को समुद्र पार करना हुआ तो पुल बनाया ना, मेरा बेटा हनुमान तो छलांग लगाकर पार कर गया। बुरा मत मानना देखो बहन। कौशल्या जी तो चुप हो गई कि बात तो सही। तो अब उन माताओं के बीच में अंजनी जी की जय जयकार होने लगी कि वाह, अंजनी जी का बेटा, कितनी भाग्यशाली अंजनी जी, इतना महान बेटा। तो वहां पर अगस्त ऋषि की पत्नी भी बैठी थी लोपा मुद्रा। उन्होंने जब देखा कि अंजनी जी की इतनी जय जयकार हो रही, उन्होंने कहा देखो अंजनी बहन, बुरा मत मानना, एक बात मैं भी कहना चाहती हूं कि आपके बेटे ने जो समुद्र छलांग लगाकर पार किया ना, मेरे पति देवता ने तो तीन आचमन में पूरा समुद्र ही पी लिया, पूरा समुद्र पी लिया। तो कौशल्या जी ने सोचा कि यहां तो एक एक से बैठी है, मेरे बेटे की तो कोई गिनती ही नहीं। हनुमान छलांग लगाकर पार कर गया, अगस्त ऋषि तीन आचमन में पी गए, मेरा बेटा तो बड़ा पीछे हो गया। तो कौशल्या जी थोड़ी उदास हो गई। इतने में भगवान राम उधर से गुजरे, तो भगवान ने अपनी मां को देखा कि उदास क्यों है, पूछा कि मां इतने उदास क्यों। कौशल्या ने कहा क्या बताऊं पुत्र, मैं तेरी जय जयकार कर रही थी, प्रशंसा कर रही थी, तो यहां अंजनी जी बैठी थी कि बोले नहीं, तुम्हारे बेटे ने जो समुद्र पर पुल बनाया उसको मेरे बेटे ने छलांग लगाकर पार कर दिया। अब वो तो एक कह ही रही थी उसमें कि उसके बाद लोपा मुद्रा तो कह रही कि मेरे पति ने तीन ही आचमन में पूरा समुद्र पे लिया, तो मेरी तो कोई गिनती नहीं ना बेटे। तो भगवान राम ने मुस्कुराकर कहा मां, अभी भी तेरा बेटा ही बड़ा है। कैसे? बोले इनको पूछो दोनों को कि हनुमान ने जो समुद्र पार किया तो किसका नाम लेकर पार किया, तेरे बेटे का नाम लेकर, और इनके पति देवता ने जो तीन आचमन में समुद्र पिया वो तेरे बेटे का नाम लेकर के पिया है। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग के इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, निग्रह कर लिया।
सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।